लो आंटी वेलकम टू नेपाल। थैंक यू। वेलकम टू नेपाल। ये है बसंतपुर के मंदिर। हेलो एवरीवन, न्यू डे न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा हिंदी में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सनोली। सनोली क्यों जा रहा हूँ? सनोली जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, डिंपल का, डिंपल के सासू मम्मी और उनके दोस्त, वो लोग आ रहे हैं इधर नेपाल घूमने के लिए पशुपति, और उन लोगों को मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। उधर से फिर हम लोग गाड़ी रिजर्व करके काठमांडू जाएंगे। हमारा प्लानिंग है, इधर से हम सनोली से हम लोग काठमांडू जाएंगे, काठमांडू पशुपति दर्शन करके उसके बाद पोखरा आना, और पोखरा के बाद फिर वापस सनोली। 4 दिन का टूर है ये, इसीलिए मैं सनोली जा रहा हूँ। अब नाइट बस जाऊँगा पोखरा से, सुबह पहुँच जाऊँगा सनोली, और उसके बाद वो लोग को मैं मिलके उसी टाइम ही बताऊँगा क्या क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग। और गाड़ी भी रिजर्व की है, मैं उनसे बात करके आप लोग को दिखाऊंगा क्या क्या होगा। इसीलिए अभी नाइट बस के लिए मैं पृथ्वी चौक जाऊंगा, उधर से मैं गाड़ी चढ़ के सुबह सनोली, और उसी टाइम मिलेंगे। अभी टाइम हो गया है 7:36, 7:36 हो गया नेपाल का। मेरी नाइट की गाड़ी यही है, सनोली तक जाने की गाड़ी ही है। अभी 8 बजे चलेगी ये गाड़ी, 8 बजे चलेगी, और सुबह देखते हैं कितने बजे पहुंच जाती है, और उधर जाके मैं आंटी लोग को मिलूंगा, है आप लोग को भी दिखाऊंगा। The next day, फाइनली सनोली के बॉर्डर में मैं पहुंच गया। टाइम हो गया 5:30। अब थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, उधर से जो आएंगे ना आंटी लोग, ये साइड में आएंगे, उधर से टैक्सी आएगी, ये जगह पर रुकेगी, इंडिया से आएगी ना। करी हुई गाड़ी यही है, हम लोग घूमने जाने वाले हैं ये गाड़ी में। गाड़ी की कंडीशन तो अच्छी है, नहीं है यार, अंदर से भी ऐसी है, मस्त जाएंगे ये। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आदमी बैठ जाते हैं। ये भैरवा का बस स्टैंड है, इधर ये ऑफिस है जिधर से मैंने बुक की है ना गाड़ी। गाड़ी यही है, और ये ऑफिस के ओनर ये गाड़ी में है। अभी मैं फुल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। अगर आप लोग भी इधर आ रहे हो तो भैरवा में अगर गाड़ी की कोई ज़रूरत होगी तो इधर से गाड़ी बुक कर सकते हैं। अरे नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनिल तमंग है, मैं सुनौली भैरवा का रहने वाला हूँ। मैं अमून टूर एंड ट्रैवल नाम करके टूरिज्म चलाता हूँ। अगर आप लोग 3 नाइट 4 डेज का पैकेज जा रहे हैं काठमांडू और पोखरा, हम लोग जा रहे हैं पोखरा, पहले जा रहे हैं काठमांडू, काठमांडू से हम लोग पोखरा जा रहे हैं। अगर आप लोग को भी आने की इच्छा है तो इसके लिए मैं फुल डिटेल्स में डाल दूंगा भी, यहाँ पैकेज कैसा कैसा पड़ेगा। इधर से जान के आप लोगों को सूटेबल पैकेज मिलेगा और जगह से अच्छा है। बाकी अभी बॉर्डर में हम लोग बॉर्डर में जा रहे हैं, आंटी लोग आ चुके हैं, और उधर ही जाके दिखाऊंगा मैं आप लोग को, उन लोग को हम लोग वेलकम करेंगे। ये हम लोग बॉर्डर में आ चुके हैं, ये नेपाल के साइड का बॉर्डर है, ये थोड़ा सा इससे आगे जाओगे वो इंडिया का बॉर्डर है, उधर इंडियन आर्मी है, इधर नेपाल का आर्मी है, नेपाल के साइड का है वो इंडिया का, वो आ गया। ये पूरा बड़ा बड़ा गाड़ी इंडिया का है, ये उधर से चेक होके आया है। एक गाड़ी आ चुकी है। नमस्कार, 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 एक ग्रुप आ चुका है। नमस्कार, गाड़ी वो तो छोड़ के चले गए ना, मैंने आपका नेपाली गाड़ी बॉर्डर क्या उस पर करना है।
आंटी वेलकम टू नेपाल। थैंक यू। वेलकम टू नेपाल। अलिकति गाह्रो भयो के रे पुस गर्न पनि झरे रे। वेलकम टू नेपाल। अब हमारा यहाँ से अब टूर स्टार्ट हो गया। हैप्पी क्या बोले ठीक है ना। ओके गाइस अब हमारा टूर यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ भैरवा से हम लोग काठमांडू जाएंगे। काठमांडू हम लोग को कितना घंटा लग जाएगा? नहीं है, रास्ता क्लियर हो जाएगा तो आपको 8 घंटे 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, नहीं तो ऊपर लगेगा। यानी कि 10-12 घंटे लग जाएंगे हम लोग को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिस्टर समीर बस्याल। हमारे गुरुजी, हमारे नेपाल के, हमारे के नेपाल में गुरुजी बोलते हैं गाड़ी चलाने वाले को। ओके अभी आंटी ने चावल डाल दिए मेरे लिए। ये कौन से कहा चावल है? जर्दा। क्या वो जर्दा? तो वो होता है जो आदमी लोग मुंह में डालते हैं। वो अलग ही है खाने का। अच्छा। हेलो हेलो गाइस, अभी हमारा ब्रेक टाइम हो गया। ये जगह है हाईवे में दावने बाजार। इधर अभी ब्रेक टाइम हो गया। आंटी लोग पूरे वेजिटेरियन ही हैं। तभी इधर खाना का ऑर्डर किया है। इधर आंटी लोग का स्टार्ट भी हो गया। ये लंच है कि ब्रेकफास्ट है, क्या है ये? लंच हो गया। इधर अभी ऑर्डर किया हुआ है। इधर अब प्लेट रेडी हो रही है खाने की। तंदूरी रोटी और दाल फ्राई। अभी हम लोग नवलपुर के ये सीजी टेंपल में आए हैं। रास्ते में रास्ता देख के आंटी लोग का बुरा हाल हो गया। रास्ता देख के आप लोग का बुरा हाल हो गया। आइए रास्ता कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ऐसा रास्ता नेपाल जैसा हमने कभी देखा ही नहीं। प्यारी समझ गई। हर चीज का मजा लो भाई। हाँ रुके हुए का भी, जुड़े हुए का भी, जुड़े हुए का भी, अच्छे का भी। नेपाल सिटी ब्यूटीफुल। मैंने सुना था, मैं भी आज पहली बार आ रहा हूँ, वो भी आंटी औरों की वजह से। बहुत अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा है ये चश्मा। चलिए चलिए, नेपाल से खरीदा है। बहुत फायदा होना चाहिए। बहुत महंगा है, महंगा। चलिए चलिए, अभी इधर से हम लोग और लेट हो जाएंगे, तभी हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। काठमांडू अभी इधर से दूर है, शायद हम लोग रात को पहुँचेंगे, तभी इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हम लोग ने। अब फिर से बोलिए। किसने? समीर। अच्छा। सोनू ने बहुत अच्छा हमारे लिए साथ दिया। चल बस
नायक है क्या? साथ दिया झूठ बोल बोल कर यहाँ ले आए। मुझे अपने घर जाना है। अभी आया, अभी आया, अभी आया। नहीं जल्दी आप पहुंचे ना हम लोग। अब बड़ी मेहरबानी। क्या रास्ता? हाँ रास्ता तो खराब था, रास्ता तो खराब था। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाया जाए, फैलाया जाए रायते की जैसे फैलाया जाए। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज। रूम इधर ये होटल में पैक था, तभी मैं और ड्राइवर दूसरे रूम दूसरे होटल में गए थे। अभी इधर आया हूँ। आंटी लोग उठे कि नहीं उठे? हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हो आप लोग बताइए, कहाँ जा रहे हो? पशुपति मंदिर के, महादेव के दर्शन करने। चलिए 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 चलिए। हाँ अच्छा अच्छा, रश होगा ज़्यादा, रश होगा। 9:40 हो चुके हैं, हम लोग अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हेलो हेलो सब लोग को। हेलो हेलो, बम बम जय। अभी हम लोग फाइनली पशुपतिनाथ आ चुके हैं। आंटी लोग उतर गए हैं गाड़ी से। अब आगे आगे जाके देखते हैं क्या क्या होगा, कौन कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, मंदिर के पूरे दर्शन कराएंगे, उसके बाद देखते हैं। इधर जूते चप्पल रखने की जगह है, हम लोग तो पहले ही हम उधर दुकान में रख के आ गए। एक हरे हरे बोल। इधर कितना, आज शनिवार का दिन भी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय। अब नीचे से जाएंगे, जिधर भी देखो हवन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गरा दशा या कुछ काट रहे हैं, पूजा हो रही है। ये पूजा की लाइन है, इधर 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 लाइन ही बहुत लंबी है। हाँ ये लाइन, आप रुकिए, ये लाइन में रुकिए, मैं देख के आता हूँ आगे, मैं देख के आता हूँ कैसा कैसा क्या माहौल है आगे, वो सब कुछ बताऊँगा मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन ही बहुत ज़्यादा लंबी है यार। सुबह आए होंगे शायद, हम लोग तो लेट आए हैं। नहीं नहीं, ऊपर से आज शनिवार है, शनिवार नेपाल में छुट्टी का दिन होता है, ज़्यादातर लोग आज शनिवार को पूजा करते हैं। जय हो जय। पशुपतिनाथ के दर्शन अच्छे हो गए, आंटी लोग आगे चले गए, भीड़ इतनी थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, दर्शन अच्छे हो गए। अब आंटी लोग से पूछता हूँ मैं, आंटी लोग दर्शन कैसे हुए आज पशुपतिनाथ के? दिल को शांति मिल गई ना? वो रास्ते को भूल जाइए हैं, वो जो कल रास्ता था ना, वो बेकार रास्ता, वो बेकार रास्ता था। थैंक यू। चलिए चलिए पशुपतिनाथ, दर्शन भी अच्छे हो गए। अभी हम बौद्धा में जा रहे हैं, बौद्धा का ये मेन एंट्रेंस है, बुद्धिस्ट का है ये अंदर से बहुत अच्छा है। ये है बौद्धा। आंटी लोग भी बहुत घुमाने लगे हैं, जो कि बुद्धिस्ट के, वह ज़्यादा तो मेरे को नहीं मालूम, जैसे परिक्रमा करते हैं ना वैसे, नाम लेके
वो घुमाते हैं ये। ये जगह पूरा ये रेस्टोरेंट है, ये पूरे चारों तरफ ये बौद्धा के चारों तरफ ये रेस्टोरेंट है पूरे। अभी हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा नीलकंठ घूमने के लिए। ये रास्ता रह गया मस्त है, ये इधर से नेपाल पुलिस की गाड़ी। बूढ़ा नीलकंठ अंदर जा रहे हैं आंटी लोग दर्शन के लिए, बूढ़ा नीलकंठ के लिए। संसार थिची आकाश फुटी जस्तो भयो भन्ने थाले धर्मदारी तिन अनि मेरी आमा तिमी कहाँ छौ। बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन भी हो गए। बहुत अच्छा, विष्णु भगवान का मंदिर था। का दिन घूम चुके हैं आंटी लोग, रेस्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम फिर घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे हम कहाँ, बसंतपुर। वो जगह बहुत अच्छी है, आप लोग को भी दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ अच्छी जगह। चलिए नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वो जगह। मैं जब भी काठमांडू आता हूँ वो जगह नहीं गया तो फीका फीका। चलो 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 चलो, पूरा गली गली में मंदिर है नेपाल में। काठमांडू और पोखरा में जाऊंगे ना, गली गली में मंदिर है। इधर भी मंदिर है, इधर से मंदिर ही स्टार्ट हो गए। इधर भी मंदिर है, ये पूरा मंदिर एरिया है बसंतपुर। ये थोड़ा सा सस्ता बाजार है, ये अभी उधर ही लगेगी 8:30-9 बजे की मार्केट, उसमें भी सस्ता मिलेगा। ये है बसंतपुर के मंदिर, बहुत अच्छे 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 मंदिर हैं इधर। ये दिखाने के लिए लेके आया था मैं आंटी लोग को। ये इधर कितनी भीड़ रहती है, अभी तक भी चल रहे हैं आदमी लोग। मेरे को मालूम नहीं है किस कौन है। ये देख, इधर भी माता है, कौन है, काली काली माता है, कौन है। वाह ये है ना, पूरा मंदिर है। चारों तरफ मंदिर है। ये बसंतपुर के पास ना, ये पूरा इधर वो बसंतपुर में ये मंदिर है ना, इसके पास 8:30 बजे इधर मार्केट शुरू हो जाती है, 9 बजे की मार्केट, 8:30 या 9 बजे की मार्केट। ज़्यादातर 9 बजे की मार्केट बढ़ जाता है, इधर सस्ते कपड़े मिलते हैं, कपड़े सामान सस्ते मिलते हैं और क्वालिटी वो खुद आप लोग देख के मालूम पड़ेगा अभी क्या क्या चीज़ है ठीक है। ये देखिए बहुत लंबी मार्केट है, मैं दिखाऊंगा पूरा कवर करूंगा मैं।
इधर भी मंदिर है। सौ रुपये का ये नेपाली सौ का। The next day. Hi everyone. Good morning. मैं हम निकलने वाले दो रात दो नाइट इधर रुके थे। अभी सुबह इधर से हम लोग पोखरा के लिए जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया। मैंने आंटी लोग को 6 बजे बोला था लेकिन मैं ही लेट हो गया। इधर दो आंटी का रूम। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी। हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड एंड हाउ आर यू? थैंक यू आई एम फाइन। चलिए चलिए ओके। मैंने 6 बजे बोला था मैं ही लेट उठा हूं। गिव मी 10 मिनट्स। ओके ओके आइए आइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी मैं ही लेट उठा हूं। वैसे आपने तो आपका तो मैसेज आ गया था मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आप लोग का काठमांडू का सफर आज से खत्म हो जाएगा। ओके। ये काठमांडू का बॉर्डर यानी कि काठमांडू का बॉर्डर इधर से कट जाएंगे तो काठमांडू छोड़ देंगे। आने का रास्ता भी यही है जाने का रास्ता यही है। और रास्ते में वेटिंग करते करते जाम में पड़ते पड़ते हमको मिल गई भेलपुरी। वो हमारा किचन ये गाड़ी के पीछे है। वो मेन पीछे किचन के कुक वो पीछे है लास्ट में। शेफ है शेफ। तो धन्यवाद गुरु जी। खाइए आप भी आराम से। इधर रास्ता सही होगा। देते हैं मजा भेलपुरी का लेकिन रास्ता खराब है। रास्ते को मद्देनजर रखते हुए भेलपुरी खा रहे हैं। इधर टिकट का पूरा सिस्टम है। भाई साहब अंदर भी इतनी भीड़ है बाहर भी इतनी भीड़ है। बड़ी मुश्किल से आए इधर तक हम। बहुत लंबी लाइन है। अब इधर टिकट चेक होगा। ये हमारा ये मेरा है एनआर बोले थे नेपाली और ये इंडिया का अलग अलग टिकट। ये अंदर आगे पे इतनी भीड़ है। ओह माय गॉड। इधर इतनी भीड़ है तो ऊपर कितनी होगी मंदिर की साइड में। ऊपर जाके दिखाऊंगा आप लोग को। ये पहले हमारे देश के राजा थे। इस टाइम में सही था देश सही था। इसको बोले अब बोर्डिंग पास हो गया। फाइनली बोर्डिंग पास हो गया। अब ये बैठने का टाइम आ गया केबल कार में। ये टोटल 26 साल हो गए ये बने को। ये क्या हो गया कटोरी हिल गई। इधर ये लड़का गाने के स्टाइल में इधर क्या क्या खाने के लिए मिलता है वो बता रहा है। दादू दोसन बसी बासमती चावल को खाना दौरा में बना के दादू सिलौटो में पीसे को गोलबेड़ा को अचार चिमुर को अचार घी पानी छुआइयो छुआइयो झुआइयो बनाउनी है ता काले भाई को माई तो मकई को डेढ़ कोदो को डेढ़ पापड़ को डेढ़ गुन्द्रुक को अचार मुला को चिमुर को अचार के छ मेरो ह्यान्डसम दाई को विचार है त हजुर को बोली र बन्दुक को बोली है त ल धन्यवाद। हजुर हजुर बंदूक की गोली आऊँचु। ये अभी आप लोगों ने सुना था ना ये इधर का यानी कि मीनू बता रहा था वो यानी कि वायरल। हाँ वैसे वैसे वाला मंदिर जाने वाला रास्ता है ये। इधर देखिए ऐसी मार्केट बनी हुई है। बहुत कुछ मिलता है। ये आ गया मंदिर। केबल कार से जो उतर के 5-10 मिनट में पैदल चलने के बाद ऊपर मंदिर आ जाता है। ये देखिए
मनोकामना माता। अभी आंटी लोगे पूरे अच्छी तरह दर्शन हो गए हैं, मन मनोकामना देवी हमारी मनोकामना पूर्ण पूरे पूरे सबकी पूरी करें, सबकी पूरी करें। हम लोग के दर्शन होने के बाद दो घंटे लगभग दो ढाई घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं नीचे, रात होने वाली है, दर्शन तो अच्छे हो गए लेकिन ये लाइन के दर्शन अच्छे नहीं होते है कि नहीं आंटी, दर्शन अच्छे हो गए, ये लाइन के दर्शन अच्छे नहीं थे। आंटी आप तो आइए ना हमारे साथ, आप प्लीज आइए ना, आप तो आप आइए ना। हम लोग जा रहे हैं, अभी शाम होगी, रात होने वाली है, अभी इधर ही लेट हो गए हम लोग, अब हमारी बारी। ऐसे ये साइड में बैठी, मैं इस साइड में बैठूंगा, नहीं अभी तो नहीं पूछे, फिर भी रख लीजिए, चलो बारिश हो गई। ओ भाई साहब, भाई साहब बड़ी स्पीड पकड़ ली, ओ भाई साहब बड़ी स्पीड पकड़ ली इसने तो। अभी कौन आंटी? अरे वो मीना, मीना दो ही रहेगी, तो जब तुम पहले भी आप लोग दो थे ना, हम लोग छह थे। वो भाई रात हो गई, किस्मत ने दिमाग लगाया, किस्मत ने दिमाग लगाया, देख तू नीचे देखिए, देखो आंटी कान बंद हो गए, कान बंद हो गए, सनसेट हो गया उधर, ये साफ ये देखो कितनी अच्छी वैली है, कितना अच्छा है सब कुछ, क्यों दिया इसमें, रोका नहीं है, स्लो हो गया, उतरते समय थोड़ा स्लो हो गया ना, ब्रेक लगा के चल रही है ना, वो एकदम नहीं भाग सकती, मारेगी टक्कर, क्या बोलते उसको, गिर डांस, ढलान है ना वो, ढलान के लिए आए थे, तुम सारा दिन इसी के लिए लगा दिया, कोई बात नहीं, क्या तुमने क्या रोटी पानी है, ये सब्जी बनानी है, सोना जाके सो, 1 बजे रहा था, 12 बजे लाइन में लगी थी, अभी अभी ऊपर से जल्दी चाहिए, ए भाई साहब रोक लो भाई, अरे भाई रोक लो, खाली खाली हो गया अभी, इधर अभी खाली हो गया, पहले कितना 2-2.5 घंटे, चलो 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 हिम्मत लगा के चलो 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 चलो। कैसा लगा आंटी? अच्छा था, थैंक गॉड, पहुंचना ही था ना, कैसा लगा? अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, 15 मिनट लगे, आइए आइए आइए, हाथ पकड़ के निकाला, आते आते रात हो गई, इतना उजाला हो रहा है लेकिन लाइट का, आते आते रात हो गई, आदमी लोग भी कितने ज्यादा हैं, सब लोग जो गाड़ी में आए थे गाड़ी चढ़ रहे हैं, अब हमारी गाड़ी भी आ जाएगी 5 मिनट में, ऊपर पार्किंग में थी, मैंने फोन कर दिया, और उसके बाद हम चढ़ने के बाद जाएंगे सीधा पोखरा। चलो भाई मनोकामना के भी दर्शन हो गए, अभी हम निकलेंगे अभी पोखरा के लिए, अभी पोखरा के लिए जाए, पहुँचे नहीं है, इधर से 2-3 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमको तो पूरा इधर ही लग गया, अभी टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया गुरुजी? हो गया जी 6 बजने वाला है, 6 बजने हम लोग कितने बजे गए, कुछ कोई अंदाजा है ऊपर जाने के टाइम में कितना टाइम हो गया था? 11:30 बजे, 11:30 1 बजे हम लाइन में,
हमको कितना 6-7 घंटा लग गया आज पूरा दिन आज पूरा दिन लग गया ऊपर जाने में जाने और आने में। ओ भाई साहब। The next day. आई बोले ओ तने नेपाल में समाधि लाई बोले ओ तने नेपाल में समाधि। आज फिर आंटी लोग को मिलता हूँ क्योंकि कल मैं आंटी लोग को ये होटल में छोड़ गया था, होटल गंधबे लेक साइड में, क्योंकि मेरा काम था, दिन भर काम था। अभी मैं जा रहा हूँ आंटी लोग को मिलने, आपको रिएक्शन दिखाता हूँ क्या क्या कर रहे हैं। सभी लोग इधर है। देखते हैं क्या करें। नमस्ते 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 नमस्ते। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे ताश खेल रहे हो। अरे सट्टा लगा रहे थे इधर। चलिए अब घूमने के लिए जा रहे हैं। कल आप लोग को ये होटल में मैंने छोड़ दिया था गंतव्य, इनमें चलो दिन में तो आया ना, दिन में मैं तो नाइट ही रहूं है ना, तभी नाइट में आया है मैं तो। समझ रहे हो आप। आइए आगे, 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 चलो हम लोग चाह रहे हैं लेक साइड फुट ट्रैक की साइड में हम लोग घूमने के लिए। चलिए अभी हम लोग पोखरा के लेक साइड के ये हल्लन चौक है, यानी कि मेन सेंटर में है ये, हल्लन चौक बोलते हैं इसको। ऊपर बड़ी सी एलईडी, ये आंटी लोग आ रहे हैं इधर से, हम लोग जाएंगे इधर लेक की साइड। इसका मज़ा नाइट में है। अब मच्छी आप लोगों को मच्छी भी दिखा देता हूँ मैं वीडियो में, बड़ी मच्छी बहुत अच्छी। ये देखिए ये मच्छी ऐसी ऐसी मच्छी होती है। ऐसा ये उधर पूरा लेक अभी दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी दुकानें हैं ये मिलता है इधर, इतनी भीड़ आगे भी है और पीछे भी है। नहीं यार लाइव म्यूजिक सुनने में अच्छा ना। इधर फिर लेक साइड में स्केटिंग भी है फिर खेलने के लिए। डिज्नीलैंड आ गए हम लोग, डिज्नीलैंड फन पार्क में खेलना आंटी। हमारा होटल ये वो वाले चौराहे से उधर है, पहले हम इधर घूम के आए, अभी वो चौराहे से हम लोग इधर जा रहे हैं। ये साइड की मार्केट पर ऐसी है होटल है, पूरा होटल ही है ये साइड हमारे। इधर तो ये साइड में रात को ही उजाला होता है जैसे विदेशों में होता है रात। The next day.
हेलो गुड मॉर्निंग। आज आंटी लोग को मिलने के लिए मैं इधर होटल में आया और वो आंटी लोग जा रहे हैं होटल, इसमें कौन तब मेरे को थे अभी उन लोगों को मिलता हूँ, वो लोग इधर से जाएंगे, उनको मैं आज विदाई करने के लिए मैं आया हूँ। आंटी लोग इधर रेडी हैं। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आप लोगों का नेपाल का टूर? बहुत अच्छा रहा ना, लेकिन उधर वो रास्ते का था ना, उसके बाद तो सही है ना। रास्ता आप अपने प्रधानमंत्री से बोलो कि प्लीज जो बाहर से गाइड आते हैं वो हमारी बुराई करते हैं, कृपया इस रास्ते को जल्दी ठीक कराएं। चलो 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 चल ठीक है। पोखरा कैसा लगा? पोखरा बहुत अच्छा लगा, काठमांडू में थोड़ा कल आप लोग का अच्छा हुआ, वो दिख गया हिमाल। अभी तो देखिए ये बादल पूरा बादल हुआ, कुछ नहीं दिख रहा अभी, वो कल ही दिख गया आप लोगों को। चलो ओके, आप लोग अच्छी तरह जाइए हैं इधर से, आप लोग का सफर अच्छा रहे, अभी तक तो अच्छा था, आगे भी अच्छा रहे। ओके थैंक यू। बैठ रहे हैं अभी गाड़ी में, जाइए शुभ यात्रा आप लोगों को। थैंक यू, बहुत अच्छा स्वागत किया सबको। बाय 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 सोनू। ओके बाय बाय। लो गुरु जी राम सा जान वाला ला। ओके बाय। ओके बाय। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो जरूर करना।